जय माँ काल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी में आप लोग की लगातार रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो आप लोग की कांस्टेबल की वैकेंसी हो, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई की रिक्रूटमेंट। तो अभी आप लोग की जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो है आप लोग की टेली कम्युनिकेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी। यदि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसके अलावा एक और रिक्रूटमेंट, जी हाँ, इसी क्रम को जारी रखते हुए आईटीबीपी ने एक और रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आईटीबीपी की वेबसाइट पे आप लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट है आप लोग की असिस्टेंट सर्जन की। तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं आप लोग का इस प्रकार का नोटिफिकेशन ओपन होता है। तो क्या है वैकेंसी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एक लाइक तो बनता है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सर्जन है आप लोग का, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी इन आईटीबीपी में वैकेंसी निकल के आ रही है। तो ऑनलाइन आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है वो 25 नवंबर 2024 की डेट दी हुई है, क्लोजिंग डेट आप लोग की 24 दिसंबर 2024 रहने वाली है। तो 24 दिसंबर 2024 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यदि एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो पोस्ट आप लोग की है यहाँ पे असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी की वैकेंसी है, टोटल 27 वैकेंसी है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कैटेगरी में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसियां घट बढ़ सकती हैं बिल्कुल। और इसके अलावा आप लोग को जो पे स्केल वगैरह की जानकारी दी गई है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन, जी हाँ, एलिजिबिलिटी कंडीशन में एज की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग 35 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज में आप लोग को बेनिफिट मिलेगा जिस प्रकार से बेनिफिट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए, जी हाँ, बैचलर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए। वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में आप लोगों ने जो है बैचलर डिग्री कर रखी हो, जी हाँ, बैचलर डिग्री इन एनिमल वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। इसके अलावा एज जो आप लोग की काउंट होगी वो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट यानी कि 24 दिसंबर 2024 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। और जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट। चलिए इसके अलावा आप लोग नीचे आते हैं तो नीचे आप लोग को कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड, तो फिजिकल आप लोग का यहाँ पे बता दिया गया है, मेल जो है 157.5 सेंटीमीटर आप लोग की मिनिमम हाइट होनी चाहिए, फीमेल स्टूडेंट हैं तो 142 सेंटीमीटर मिनिमम आप लोग की हाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। इसके अलावा मेल स्टूडेंट की चेस्ट यहाँ पे 77 और फुलाव के बाद 82 यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। फीमेल नॉट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को पीएचटी की जानकारी दे दी गई है। और गढ़वाली कुमारी गोरखा डोगरा मराठा है तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का आप लोग यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। चलिए मेडिकल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसके साथ साथ आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं हाउ टू अप्लाई, तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट है, यदि आप लोग एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और फीस वगैरह यहाँ पे 400 रुपए आप लोग की रहने वाली, यदि आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल स्टूडेंट हैं 400 रुपए फीस लगेगी, फीमेल स्टूडेंट हैं, एससी एसटी से आते हैं तो कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया, ऑनलाइन आप लोग को बता दिया है, 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप लोग का फिजिकल ही होने वाला है, तो पीएचटी आप लोग को ऊपर बता दिया गया है। पीईटी के अंतर्गत आप लोग का जो है यहाँ पे रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी और शॉर्ट पुट होने वाली है। तो मेल स्टूडेंट हैं तो रनिंग आप लोग की 100 मीटर और 800 मीटर की होने वाली, 100 मीटर आप लोग को 16 सेकंड का समय मिलेगा, 800 मीटर के लिए आप लोग को 3 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा। इसी प्रकार से लॉन्ग जंप आप लोग को 3.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे, शॉर्ट पुट आप लोग को 4.5 मीटर 7.2 केजी आप लोग का वेट रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, मेल स्टूडेंट की जानकारी दी गई। इसके अलावा फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप लोग की रेस यहाँ पे 100 मीटर 800 मीटर और लॉन्ग जंप आप लोग का होने वाला है, शॉर्ट पुट नहीं है। तो फीमेल यहाँ पे 100 मीटर 18 सेकंड का समय मिलेगा, 800 मीटर आप लोग को 4 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा, लॉन्ग जंप आप लोग की यहाँ पे 3 मीटर होने वाली है, 3 चांस, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है पीईटी पीएचटी के कोई मार्क्स यहाँ पे होने वाले नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो यदि आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, जी हाँ, रिटर्न एग्जाम होने वाला है आप लोग का, ध्यान रखिएगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है।
पीएचडी में आप लोग को और भी डिटेल यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, ठीक है। इसमें नीचे आते हैं तो आप लोग को रिटर्न की जानकारी दी गई है, तो जो भी फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसी को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम के लिए आप लोग को प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का आप लोग का पेपर यहाँ पे होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को रिटर्न एग्जाम में बता दिया गया है 50% फॉर जनरल एक्स सर्विस मैन और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी से आप लोग आते हैं। तो आप लोग की मिनिमम पासिंग मार्क्स है, कट ऑफ आप लोग की हाई जाएगी। इसके बाद आप लोग का जो है यहाँ बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू भी आप लोग का होने वाला है, तो सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और इंटरव्यू आप लोग का 50 मार्क्स का होने वाला है। और इंटरव्यू में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 5 टाइम स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए जाएंगे, जो भी जितनी वैकेंसी होगी उसके 5 गुना स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। रिटर्न एग्जाम के मार्क्स के बेस पर ही आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के अंतर्गत आप लोग को बताया गया है क्या क्या चीजें आप लोग की, जो किसके किसके मार्क्स मिलने वाले हैं। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वगैरह, एनसीसी वगैरह के मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह के आप लोग के मार्क्स मिलने वाले। तो इस प्रकार से आप लोग को इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाएंगे, आप लोग को क्लियर कर दिया गया। स्पोर्ट्स में आप लोग देखेंगे कितने कितने नंबर, एनसीसी में कितने कितने नंबर है। इसके बाद आप लोग की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने वाली जी, फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग की निकलेगी यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन एससी एसटी वगैरह की आप लोग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी सभी की वैकेंसी के अनुसार। और जो आप लोग का यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने वाली है वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे निकलने वाली है। तो रिटर्न एग्जाम आप लोग का यहाँ पे 100 मार्क्स का है और इसी प्रकार से इंटरव्यू आप लोग का जो है 50 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स के बेस पे आप लोग का जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट निकलने वाली है। और इसके बाद में आप लोग को क्लियर कर दूं डीएमई आरएमई, जी हाँ, इसके बाद आप लोग का जो है डीएमई आरएमई वगैरह होने वाला है। और इसके बाद आप लोग का जो है फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह। तो इस प्रकार से आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है असिस्टेंट सर्जन के लिए। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दिया हुआ है, इसे बहुत ही ध्यान से आप लोग रीड कीजिए ताकि कोई भी मिस्टेक आप लोगों से ना हो। यदि आप लोग एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। इसके अलावा कोई जानकारी लेनी है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच के लिए कहूंगा यदि चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बताया कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।